हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। वेलकम टू डोंट एंड डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, एक नए सेंसर के बारे में जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और उसका काम क्या है वो मैं आपको डेमो देता हूँ, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि इस सेंसर का क्या काम है फ़ोन के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सेंसर है, और इस सेंसर से रिलेशन में बात करेंगे M30S को लेकर। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो है कि जैसे ही आप फ़ोन को अपने फेस के साथ लगाते हैं, अब मैं कर रहा हूँ, M30S मेरे पास है, अगर मैं कोई कॉल मिलाता हूँ इससे, सपोज हेल्पलाइन नंबर भी अगर मैं मिलाऊँ, तो अब ये इसका ऑन है स्क्रीन, अभी भी ऑन है, पर जैसे मैं इसको कान के साथ लगाऊँगा, देखिए ऑफ हो गया, और जैसे मैं ऑन करता हूँ ये ऑन होना चाहिए, ऑफ ऑन। इस सेंसर की बात कर रहे हैं, और ये सेंसर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है हर एक फ़ोन में। आईफोन्स में शुरू हुआ था इनिशियली, और अब सभी मिड रेंज फ़ोन्स में भी आता है, और M30S में भी है। अब ये वीडियो बनाने का कारण मेरा यही है कि होता क्या है कि अगर आप, कई बार ये ठीक से काम करना बंद कर देता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सबसे पहले लोकेशन क्या है, मोस्टली ये स्क्रीन के ऊपर साइड छोटा सा छेद होता है, वहाँ पर होता है, और आजकल फ़ोन्स में इतना वो चल रहा है डिज़ाइन का चक्कर, तो उसमें आपको मतलब उसको ढूंढ पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो मोस्ट प्रॉबली इसकी लोकेशन यहीं लेंस के आसपास होती है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब दूसरी बात कि आप इसको ऑफ कर सकते हैं, 99% फ़ोन्स में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आती जिससे आप इसको ऑफ कर सकें, क्योंकि ये आपकी बैटरी को बचाने में हेल्प करता है, और काफ़ी तरह से आपकी भी हेल्प करता है एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने में। वो कैसे, क्योंकि अगर आप इसको कॉल कर रहे हैं, और कॉल जब आप बंद करने वाले हैं, और आपका फ़ोन अगर ब्लैक ही रहता है, तो आप फ़ोन काटेंगे कैसे, क्योंकि वो रेड वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। तो विद टाइम क्या होता है, या कुछ आपके चीज़ें करने से ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो काफ़ी लोगों को ये फेस होता होगा, और तभी मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि मेरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स जिनके पास सैमसंग M30S है, या आईफोन है, या कोई भी फ़ोन है, हर एक फ़ोन में ये टच फ़ोन में अवेलेबल है फीचर, तो उसमें जब ये प्रॉब्लम आने शुरू होती है, तो क्या होता है कि अब आप जैसे इसकी स्क्रीन ऑन है, जैसे कान से लगाया तो सपोज बंद हो गई, और जैसे उसको वापस लाया तो वो बंद ही रहती है। तो उस केस में क्या करते हैं लोग, यहाँ से पावर ऑन बटन दबा के उसको काटते हैं फ़ोन को। तो वो प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, और इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कैसे किया जाए, वो मैं बताने वाला हूँ। कारण क्या है उसके, सबसे बड़ा कारण है, कई बार क्या होता है कि आपका जो कवर लगाया हुआ ना, स्क्रीन कवर, ये उसके लिए इंटरप्शन का काम करता है। होता क्या है, इसके नीचे अंदर मॉइस्चर या मिट्टी जमने से प्रॉक्सिमिटी सेंसर की जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, तब ये डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आप ये फ़ोन आपके फेस के साथ चेक मतलब लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। उसके कारण इसका जो काम करने की जो सेंसिटिविटी है, या आप कह सकते हैं कितनी जल्दी ये रिस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को, वो बंद हो जाता है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ये फ़ोन, ये आईफोन में भी मेरे को प्रॉब्लम, पिछले में iPhone 6s था मेरे पास, अब 10s है, इसमें भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, और ये कॉमन प्रॉब्लम है, आपको भी आ सकती है। तो उसका सबसे आसान तरीका उससे निबटने का ये है कि आप यहाँ पर सॉफ्ट क्लोथ से अपने फ़ोन के मोस्टली सेंसर यहीं पर होते हैं, इसको साफ़ कर लें, प्रॉब्लम दूर होती है, चेक करें, कोई नंबर मिला के देखें, वो आपकी स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है, तो ठीक है, आपका काम चल गया। नंबर पहला उपाय है, अच्छे से क्लोथ से इसको साफ़ करें। दूसरा, ऐसे भी अगर बात नहीं बनी, तो अपना जो ग्लास कवर है उसको, सीरी ऑन होगी, मैंने सीरी को बुलाया भी नहीं तो खाली साफ करने से बात नहीं बनती, तो अपना ग्लास कवर जो आपने प्रोटेक्टिव कलर लगाया हुआ है उसको हटा दें, वो हटा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो नया लगाएं, तब आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तीसरा, इन दोनों चीज़ों से नहीं होता तो आपको फ़ोन को रीसेट करना पड़ेगा। आईफोन में तो सिंपली आप पावर ऑन ऑफ वाला बटन दबाते हैं तो वो रीसेट हो जाता है, उसमें कंटेंट कोई आपका नहीं जाता, सिंपली फ़ोन रीसेट होता है ताकि उसकी जो सेटिंग्स हैं फिर से एक बार फ्रेश हो जाएं, और फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपका काम करने लग जाता है अच्छे से। और इस केस में भी रीसेट बटन होता है, वो आप दबाएं,
अगर ये तीसरा स्टेप है, रिसेट बटन तब दबाना है जब आपका कोई भी काम, मतलब दोनों आपने साफ करके भी देख ली स्क्रीन, उसके बाद ग्लास कवर भी बदल के देख लिया तब भी काम नहीं कर रहा, तीसरे इस रिसेट करने से वो डेफिनेटली आपका काम करने लग जाएगा। अगर इन तीनों कारणों से आपका काम नहीं कर रहा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, आप नहीं कर पा रहे उसको ऑन ऑफ विद योर्स, मतलब जैसे फ़ोन उठाने से आपका ऑन या ऑफ नहीं होता, तब आपको फिर ये कस्टमर के कॉल करके सर्विस सेंटर पे दिखाना पड़ेगा। उसका कारण यही हो सकता है कि आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पर ये चांस बहुत कम होता है। मोस्टली यही कारण है, मॉइस्चर या डस्ट जमा हो जाती है सेंसर के आगे तो वो काम नहीं कर पाता, यही कारण है। तो मेरा ये इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि जिस जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी फ़ोन मैं यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आई और मैंने अपने आप सॉल्व कर ली है, तो मैं चाहता था कि आपसे शेयर किया जाए बात। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपकी ये प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं या आप जूझ सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, तो इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।